आज 26 मई 2024 है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 5 दिनों में हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अनेक स्थानों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। रही बात वेदर वार्निंग की, तो डे वन में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्क्वाली विंड्स विथ स्पीड रीचिंग अप टू 40 to 50 किलोमीटर्स पर आवर, गस्टिंग टू 60 किलोमीटर्स पर आवर इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर साउथ आसाम एंड मेघालय। साथ ही साथ स्क्वाली विंड्स विथ स्पीड रीचिंग अप टू 50 to 60 किलोमीटर्स पर आवर, गस्टिंग टू 70 किलोमीटर्स पर आवर इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। और साथ ही साथ थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर अरुणाचल प्रदेश। हैवी रेन इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर अरुणाचल प्रदेश, असम एंड मेघालय। एंड हैवी टू वेरी हैवी रेन इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। फॉर डे टू स्क्वाली विंड्स विथ स्पीड रीचिंग अप टू 40 to 50 किलोमीटर्स पर आवर, गस्टिंग टू 60 किलोमीटर्स पर आवर इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर साउथ आसाम, पार्ट्स ऑफ वेस्ट आसाम एंड मेघालय। स्क्वाली विंड्स विथ स्पीड रीचिंग अप टू 50 to 60 किलोमीटर्स पर आवर, गस्टिंग टू 70 किलोमीटर्स पर आवर इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर अरुणाचल प्रदेश। हैवी टू वेरी हैवी रेन इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर अरुणाचल प्रदेश। हैवी टू वेरी हैवी विथ एक्सट्रीमली हैवी रेन इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। फॉर डे थ्री वी आर एक्सपेक्टिंग थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। Also, heavy to very heavy with extremely heavy rain is very likely to occur at isolated places over Arunachal Pradesh. Heavy to very heavy with extremely heavy rain is very likely to occur at isolated places over Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, and Tripura. For day 4, we are expecting thunderstorm and lightning is very likely to occur at isolated places over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, and Tripura. Also, heavy to very heavy rain is very likely to occur at isolated places over Arunachal Pradesh, Assam, and Meghalaya. And heavy rain is very likely to occur at isolated places over Nagaland, Manipur, Mizoram, and Tripura. For the day 5, we are expecting thunderstorm and lightning is very likely to occur at isolated places over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, and Tripura. Also, heavy rain is very likely to occur at isolated places over Arunachal Pradesh. Heavy to very heavy rain is very likely to occur at isolated places over Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya, and heavy rain is very likely to occur at isolated places over Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura.